Welcome to another video of F&B Service Practical. And in this video, we'll be discussing about the basics of restaurant services. जब भी हमारे पास guest आएगा, उसका जो sequence होता है restaurant services में, कि when he comes to the restaurant and when he goes to the restaurant, he goes from the restaurant. ठीक है? Guest के restaurant में enter होने से लेके guest के जाने तक का जो sequence है, वो हम आज हम इस video के through step by step understand करेंगे the basically the sequence of restaurant services. ठीक है, तो if we start with the first process, first step जो है guest का welcome and greet करना, basically meaning is कि greeting and meeting the guest. First is that, the second would be once you have greeted the guest, you have met the guest, then you have to find out the basic details of the guest कि whether the guest has reservations with us or not. ठीक है, दूसरा step ये हो गया, आपने वो information ले लिया. तीसरा इंफॉर्मेशन क्या रहेगा कि यू विल बी टेकिंग द गेस्ट टू द टेबल, एस्कॉर्टिंग द गेस्ट. थर्ड इज दैट. फोर्थ, अगर आप बात करें, यू हैव टू सीट द गेस्ट, गेस्ट को बिठाना है आपने टेबल के ऊपर. ठीक है, टू द कंसर्न टेबल, जिसकी बुकिंग है उसको उसकी कंसर्न बुकिंग के हिसाब से बिठाना है. देन जो गेस्ट विदाउट रिजर्वेशन आ रहा है, उसको आप उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से टेबल पे एंटरटेन करेंगे, टेबल पे बिठाएंगे. वंस द गेस्ट हैज सीटेड, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि यू हैव टू आस्क फॉर द गेस्ट कंफर्टेबिलिटी. यू हैव टू आस्क चेक द कंफर्टेबिलिटी ऑफ द गेस्ट, कि गेस्ट कंफर्टेबल है उस सीटिंग अरेंजमेंट से या नहीं. जब आपने ये कंफर्म कर लिया, उसके बाद का स्टेप क्या रहता है, उसके वाटर सर्विस से पहले, यस वाटर सर्विस आप ले सकते हैं कि वाटर सर्विस करेंगे आप गेस्ट को, बट बिफोर यू सर्व द वाटर यू हैव टू अनफोल्ड द नैपकिन ऑल्सो. कम सर, गेस्ट के नैपकिन जो टेबल के ऊपर रखे हैं उसके उसके लैप के ऊपर यू हैव टू अनफोल्ड द नैपकिन एंड देन यू नीड टू सर्व वाटर. ठीक है, अब जो सीक्वेंस बता रहा हूं मैं आपको, ये सीक्वेंसेस हम एक एक करके इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोज, या नेक्स्ट कमिंग प्रैक्टिकल्स, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेलकमिंग द गेस्ट टू द वेलकम, गिविंग द गेस्ट फेयरवेल, फेयरवेल ऑफ द गेस्ट मीन्स गेस्ट को भेजने तक, गेस्ट रेस्टोरेंट से बाहर भेजने तक का जो सीक्वेंस रहेगा वो हम एक एक स्टेप स्टेप बाय स्टेप हम उसको प्रैक्टिस करेंगे एंड यू गाइज विल बी इन्वॉल्व इन इट. तो अभी मैं कहाँ पूछ कहा था कि मैं बता रहा था आपको कि हम गेस्ट की सीटिंग अरेंजमेंट कंफर्टेबिलिटी पूछेंगे, उसका नैपकिन अनफोल्ड करेंगे, देन वी विल वॉट वी विल डू इज वी विल सर्व द वाटर. वाटर सर्विस के बाद यू हैव टू प्रेजेंट द मेन्यू टू द गेस्ट. अब यहाँ पे मेन्यू जो बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे दो तरह के मेन्यू आपने सर्व करने हैं. फर्स्ट वुड बी द ड्रिंक्स मेन्यू, जो कि आपकी एसओपी है. देन उसके बाद वंस यू हैव सर्व द ड्रिंक्स मेन्यू टू द गेस्ट, यू हैव टेकन डाउन द ऑर्डर ऑफ द बेवरेजेस, आप सिस्टम में पंच करिए, उसके बाद आप बेवरेज का ऑर्डर लेके आएंगे, देन अकॉर्डिंगली उसके बाद आप उसको फूड मेन्यू देंगे. तो आप समझिए कि यू हैव टू फर्स्ट प्रेजेंट द गेस्ट ड्रिंक्स मेन्यू, ड्रिंक्स मेन्यू के बाद आप ऑर्डर लेंगे. ऑर्डर टेकिंग वेरी मस्ट. ऑर्डर टेकिंग कैसे ली जाता है वो हम डिस्कस करेंगे अपने अगली वीडियो में. ठीक है, ऑर्डर टेकिंग के बाद हम सिस्टम पे जाते हैं, जो क्यूटी वट एवर द क्यूटी यू हैव टेकन, जैसे से ऑर्डर लिया आपने, वो क्यूटी पे आप लिखते हो, वो क्यूटी आप सिस्टम पे प्लेस करोगे ना, पॉइंट ऑफ सेल पे पंच करोगे आप. तो पंचिंग द क्यूटी इन द सिस्टम विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस बिफोर ऑर्डर टेकिंग, या आफ्टर ऑर्डर टेकिंग आप ये स्टेप करेंगे. आपने सिस्टम पे पंच कर दिया क्यूटी, देन फॉलोअप करेंगे उसके बाद विद द किचन डिपार्टमेंट, जहां से प्रिंटर से क्यूटी, प्रिंटर से जो जो क्यूटी निकलेगी वो शेफ जो पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट में, तो वो वहां से आप कोऑर्डिनेट करोगे शेफ के साथ कि खाना प्रिपेयर हो रहा है नहीं हो रहा है, फूड प्रिपेयर हो रहा है नहीं हो रहा है. वहां पर आपका काम क्या होता है, यू हैव टू चेक द क्वालिटी. जो भी शेफ खाना बनाता है और जो गेस्ट ने आपको ऑर्डर दिया है उसके हिसाब से खाना बना है नहीं बना, वो क्वालिटी चेकिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पोर्शन साइज आपने चेक करना है, गार्निशिंग आपने चेक करनी है, जैसे खाना जाता है वो आपने उसके हिसाब से आप चेक करना है क्वालिटी एश्योरेंस. वंस यू हैव डन दैट क्वालिटी एश्योरेंस, उसके बाद यू हैव टू ब्रिंग द फूड टू द गेस्ट, यू हैव टू सर्व द फूड गेस्ट. गेस्ट को फूड सर्व करना है, किस तरह सर्विस करना है, ताकि गेस्ट को चाहे वो सिल्वर सर्विस है, जो अमेरिकन सर्विस है, कोई भी टाइप ऑफ सर्विस है, उसके हिसाब से आपने गेस्ट को खाना सर्विस करना है. सर्विस करने के बाद आपने खाना रिफिल भी करना है, रिप्लेनिश भी करना है, रिपीट भी करना है. जैसे आपकी ब्रेड्स हैं खत्म हो रही हैं, यू हैव टू रिपीट द ब्रेड्स. यू हैव टू टेक द फीडबैक ऑल्सो, फीडबैक इज ऑल्सो मस्ट. फीडबैक कैसे, समझ लीजिए कि जैसे गेस्ट ने अभी आपने दो तीन बाइट्स खाए हैं, आपने सर्व किया, यू सेड एंजॉय योर फूड, देन द गेस्ट
ने खाना शुरू किया उसके दो तीन बाइट्स के बाद यू विल टेक द फीडबैक फ्रॉम द गेस्ट कि वेदर ही इज हैप्पी विद द फूड, जो खाना उसने मंगाया था वो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं है, तो वो बहुत जरूरी है। रिप्लेनिशिंग द ऑर्डर्स, जो आपका पानी की पानी सर्विसेज है, जो आपका फूड सर्विंग है सिल्वर सर्विस के अंदर या अमेरिकन सर्विस के अंदर, यू हैव टू रिपीट द ऑर्डर, वो आपने ध्यान रखना है। ये नहीं कि गेस्ट का खाना बिल्कुल खत्म हो गया उसके बाद आप रिपीट कर रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम, तो वो बहुत जरूरी है। वंस द गेस्ट हैज ईटन द फूड, उसके बाद द क्लियरेंस इज मस्ट, यू हैव टू टाइम क्लियर द प्लेट्स ऑल्सो, एम्प्टी प्लेट्स सॉइल प्लेट जो आपकी बच जाती हैं वो क्लियर भी करनी है। देन आफ्टर क्लियरेंस यू हैव टू सर्व द गेस्ट डेजर्ट मेन्यू, वंस हिज मेन कोर्स इज फिनिश्ड आपने उसको डेजर्ट मेन्यू ऑफर करना है। डेजर्ट मेन्यू ऑफर हो गया, इफ द गेस्ट एग्रीज फॉर द डेजर्ट मेन्यू, ठीक है, इफ टेक्स द डेजर्ट मेन्यू, तो उसमें क्या करना है उसके बाद अपने आपने ये ध्यान रखना है कि जो टेबल के ऊपर जो एक्सेसिव कटलरी क्रॉकरी है विच इज नॉट रिक्वायर्ड वो आपने रिमूव कर देनी है, एंड यू हैव टू डू द क्रम्बिंग पार्ट, क्रम्बिंग जो मैंने आपको उसको बताया था कि क्रम्बिंग होती क्या है, मींस जो भी सॉलिड पार्टिकल्स आपके टेबल के ऊपर पड़े होंगे वो आपने उसको रिमूव कर लेना है, बिकॉज नाउ द गेस्ट इज रेडी फॉर द डेजर्ट मेन्यू। डेजर्ट का ऑर्डर लिया आपने, डेजर्ट का ऑर्डर लेने के बाद आपने आपने कटलरी प्लेस करनी है उसके हिसाब से, क्रूवेट से हटा के आपने बाकी कटलरी प्लेस करनी है जो डेजर्ट के लिए रिक्वायर्ड है। डेजर्ट की कटलरी रखने के बाद आप गेस्ट को डेजर्ट सर्विस करेंगे, डेजर्ट सर्विस करने के बाद आप गेस्ट को थोड़ा वेट करवाएंगे, एंड यू कैन ऑल्सो आस्क द गेस्ट फॉर द टी कॉफी ऑल्सो, टी कॉफी सर्विस के लिए भी पूछ सकते हैं शाम उसके बाद ऑर्डर के बाद। तो गेस्ट का सब कुछ मील कोर्स खत्म हो गया, नाउ यू हैव टू वेट फॉर द गेस्ट टू गिव द साइन फॉर द चेक, मीन्स बिल के लिए आप थोड़ा वेट करेंगे, ये नहीं कि गेस्ट ने खाना खा लिया आप बिना बोले ही उसके पास बिल ले आए, तो यू हैव टू वेट फॉर द गेस्ट टू गिव यू अ सिग्नल कि ही नीड्स अ चेक, तो गेस्ट बोलता है कि बिल ला दीजिए, देन यू हैव टू प्रेजेंट द बिल, फिर बिल प्रेजेंट किया, बिफोर यू प्रेजेंट द बिल आपने चेक करना है कि सारा बिल प्रॉपरली टोटल्ड है, वट एवर द गेस्ट हैज ईटन वो उसके अंदर है, बाद में जो रनिंग ऑर्डर आया था जो रिपीट ऑर्डर हुआ है वो भी पंच हुआ नहीं हुआ है, तो यू हैव टू प्रॉपरली क्रॉस चेक कि गेस्ट का कोई चीज मिस ना होगी हो पंच हुए बिना, प्रॉपरली बिल बन गया, बिल को प्रिंट किया आपने, देन यू प्रेजेंटेड द बिल टू द गेस्ट। बिल प्रेजेंटेशन के बाद आपने क्या किया, आपने बिल को सेटल किया, गेस्ट की कैश पेमेंट है, क्रेडिट पेमेंट है, जो भी पेमेंट है आपने मोड ऑफ पेमेंट के हिसाब से, रूम बिल है उसके हिसाब से आपने क्रॉस चेक किया, फिर गेस्ट को बिल की फर्स्ट कॉपी वापस करी, देन उसके बाद क्या है, गेस्ट इसके बाद नाउ द गेस्ट इज रेडी टू लीव, तो गेस्ट को फिर डिपार्चर के टाइम पे भी यू हैव टू फेयरवेल द गेस्ट, यू हैव टू लास्ट में क्या है फेयरवेल, यू हैव टू थैंक यू द गेस्ट, थैंक यू करना है गेस्ट को, थैंक यू सो मच गेस्ट कि आप आए हमारे पास एंड कीप कमिंग अस, तो एंड फीडबैक पूछनी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेलकमिंग ऑफ द गेस्ट इन द रेस्टोरेंट टू द टाइम ही इज अबाउट टू लीव द रेस्टोरेंट, सीक्वेंसेस आपके याद होने चाहिए आपको, और यही सीक्वेंसेस हम एक एक करके आगे अपनी इन प्रैक्टिकल्स में करेंगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो क्या था, पहला वेलकमिंग द गेस्ट, ग्रीटिंग द गेस्ट, नोइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द गेस्ट फॉर द रिजर्वेशन और नॉट, एस्कॉटिंग द गेस्ट, एस्कॉटिंग के बाद सीटिंग द गेस्ट, आस्किंग फॉर द कंफर्टेबिलिटी, कंफर्टेबिलिटी के बाद नैपकिन अनफोल्डिंग, फिर विल वाटर सर्विस, फिर मेन्यू प्रेजेंटेशन, देन ऑर्डर टेकिंग, देन प्लेसिंग द ऑर्डर इन द सिस्टम, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग विद द किचन डिपार्टमेंट फॉर द क्वालिटी एंड पोर्शन साइजेस एंड ऑल एवरीथिंग, देन उसके बाद ब्रिंगिंग द ऑर्डर टू द रेस्टोरेंट, ऑर्डर ब्रिंग करने के बाद सर्विंग द ऑर्डर, सर्विंग के बाद रिपीटिंग द ऑर्डर, रिप्लेनिशिंग द ऑर्डर जरूरी है, देन क्लियरेंस, आफ्टर क्लियरेंस यू हैव क्रम्बिंग पार्ट, क्रम्बिंग के बाद ऑफरिंग द डेजर्ट मेन्यू, डेजर्ट मेन्यू के बाद प्रेजेंटिंग द कटलरी, सेटिंग द कटलरी फॉर द डेजर्ट, फिर उसके बाद सर्विंग द डेजर्ट, देन ऑफरिंग टी कॉफी एट द लास्ट, देन उसके बाद आपका द बिल प्रेजेंटेशन एंड सेटलिंग द बिल एंड देन टेकिंग द फीडबैक फ्रॉम द गेस्ट अबाउट द ओवरऑल डाइनिंग एक्सपीरियंस ऑफ द गेस्ट एंड देन फेयरवेलिंग द गेस्ट। सो दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ अ रेस्टोरेंट सीक्वेंस ऑफ सर्विसेज जो कि एक होटल एक अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर एक फाइन डाइन एक नॉर्मल रेस्टोरेंट के अंदर आप फॉलो करते हैं, और यही स्टेप हम एक एक करके इन द कमिंग वीडियोज विल बी
discussing, we will be practicing, we will be doing a practical, and you guys will be totally involved as a guest also and as a server also. Understood? Yes. Clear? Sir. So be ready, be prepared for the next coming practicals. Thank you so much. Thank you, sir. Okay.